हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हाइगेन का तरंग सिद्धांत। न्यूटन के अनुसार प्रकाश कण प्रकृति का था। न्यूटन ने 1675 के आसपास न्यूटन कण प्रकृति का बताया, और लगभग इसी समय एक डच वैज्ञानिक हाइगेन ने प्रकाश को तरंग प्रकृति के बारे में बताया। कणिकावाद का सिद्धांत पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, इस बार हम हाइगेन का तरंग सिद्धांत पढ़ते हैं। वैज्ञानिक न्यूटन एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, इनका प्रभाव उस समय बहुत अधिक था। हाइगेन ने प्रकाश को तरंग प्रकृति का माना और बताया कि प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, और उस समय न्यूटन का प्रभाव अधिक होने के कारण हाइगेन के तरंग सिद्धांत को ठीक तरीके से पॉपुलरिटी मान्यता नहीं मिल पाई। 1801 के आसपास यानी कि 1675 के बाद 1801 के आसपास यंग द्विछिद्र प्रयोग हुआ। यंग द्विछिद्र प्रयोग हुआ जिससे हाइगेन के तरंग सिद्धांत को बल मिला। ये प्रयोग सिद्ध करता है कि प्रकाश जो होता है वो तरंग प्रकृति का होता है। 1801 में यंग द्विछिद्र प्रयोग ने ये सिद्ध कर दिया कि प्रकाश तरंग प्रकृति का होता है। फिर से चर्चा होने लगी कि हाइगेन ने जो 1878 में जो सिद्धांत दिया था वो सिद्धांत मान्यता में लाया जाए। हाइगेन ने बताया कि प्रकाश अनुदैर्ध्य प्रकृति का होता है। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि प्रकाश संपीड़न और विरलन के रूप में आगे बढ़ता है, लेकिन उस समय इनकी ये धारणा सही नहीं थी। बाद में थॉमस यंग और फेनल नामक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर ये बात इनकी गलत सिद्ध कर दी। इन्होंने बताया कि प्रकाश अनुप्रस्थ प्रकृति का होता है। अनुप्रस्थ प्रकृति का मतलब हुआ कि प्रकाश श्रृंग और गर्त के रूप में, इस प्रकार श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ता है। ये श्रृंग है, उभरा हुआ भाग, और ये गर्त है। इस रूप में प्रकाश आगे बढ़ता है। हाइगेन ने एक बात और भी कही कि प्रकाश जो है वो ध्वनि तरंगों की तरह यांत्रिक तरंगें हैं, अर्थात इनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगें बिना माध्यम के एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं कर सकती। ऐसी तरंगों को मैकेनिकल वेव्स कहते हैं, यांत्रिक तरंगें कहते हैं। माध्यम की आवश्यकता होती है, ऐसी तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं। और जिन तरंगों को आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसी तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगें कहते हैं। तो हाइगेन ने माना कि ये तरंगें बिना माध्यम के आगे नहीं बढ़ सकती। एक सूत्र है कि प्रकाश का वेग c बराबर अंडर रूट ऑफ प्रत्यास्थता बटा घनत्व। प्रकाश का वेग बहुत अधिक होता है, इस कारण हाइगेन ने सोचा कि c समानुपाती अंडर रूट ऑफ प्रत्यास्थता, यानी कि माध्यम की प्रत्यास्थता अधिक होगी तभी प्रकाश का वेग अधिक हो सकता है। दूसरी बात यहीं से पता चलती है कि c 1 बटा अंडर रूट ऑफ घनत्व डेंसिटी। प्रकाश का वेग अधिक कब पाया जाएगा? जब घनत्व माध्यम का कम से कम होगा। प्रकाश का वेग अधिक होने के लिए घनत्व कम होना चाहिए। इसलिए हाइगेन ने अनुमान लगाया कि किसी ऐसे माध्यम जिसकी प्रत्यास्थता अधिक से अधिक हो और जिसका घनत्व कम से कम हो, तो इसी स्थिति में प्रकाश का वेग अधिक से अधिक हो सकता है। प्रकाश का वेग 3×10^8 मीटर पर सेकेंड बहुत ज़्यादा होता है, 1 सेकेंड में लगभग 300,000 किलोमीटर।
इस आधार पर हाइगेन ने एक प्रकाशवायी माध्यम ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर की कल्पना की। उन्होंने बताया पूरे ब्रह्मांड के अंदर सभी जगह पर पूरे यूनिवर्स में एक माध्यम फैला हुआ है ईथर। इस पूरे ब्रह्मांड में ईथर माध्यम है और उसी माध्यम की वजह से प्रकाश किरणें आगे बढ़ पाती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश किरणें अगर आती है तो उसी माध्यम में आती है। ये जो डॉट डॉट में लाइन है वो प्रकाशवाही माध्यम ईथर को प्रदर्शित कर रही है हाइगेन के अनुसार, और पूरे ब्रह्मांड में ये फैली हुई है। लेकिन माइकल मोरले वैज्ञानिकों ने यह सिद्ध कर दिया अपने प्रयोगों के आधार पर कि इस तरह का माध्यम प्रकृति में नहीं पाया जाता, इस तरह का कोई माध्यम प्रकृति में नहीं पाया जाता। तो ये धारणा हाइगेन की गलत सिद्ध होती है। और इस प्रयोग से ये भी पता चल गया कि प्रकाश को संचरित होने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। बिना माध्यम के यानी कि निर्वात में प्रकाश आगे बढ़ सकता है। निर्वात का मतलब ऐसा स्थान जहाँ किसी प्रकार का कोई माध्यम नहीं पाया जाता। उसके बाद है हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से परावर्तन अपवर्तन लेंस सूत्र, पूर्ण आंतरिक परावर्तन व्यतिकरण और विवर्तन, ऐसी घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। हाइगेन तरंग प्रकृति को मानने वाले वैज्ञानिक थे और ये सारी घटनाएं तरंग प्रकृति के आधार पर समझी जा सकती है। दूसरा, हाइगेन के तरंग सिद्धांत की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण और क्रोमटन प्रभाव, इन सिद्धांतों को, इन घटनाओं को हाइगेन के तरंग सिद्धांत से नहीं समझा जा सकता। इसमें से काफ़ी सारे नाम हमारे लिए नए हो सकते हैं। काफ़ी टॉपिक हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं, जैसे इसी चैप्टर में परावर्तन अपवर्तन लेंस सूत्र व्यतिकरण विवर्तन, ये सारी घटनाएं इसी चैप्टर में आ जाएगी, हम आगे जल्दी ही पढ़ने वाले हैं। तो हाइगेन ने जो बातें बताई उनमें कुछ कमियां थी। हाइगेन ने जो बताया वो सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी, लेकिन ईथर की कल्पना सही नहीं थी, यह धारणा उनकी गलत थी। तो ये उनकी एक कमी हो गई। और दूसरा कि प्रकाश विद्युत प्रभाव, ध्रुवण, क्रोमटन प्रभाव, इन घटनाओं की व्याख्या नहीं कर पाए थे। इस तरह से ये घटना सही नहीं मानी जा सकती, ये इनकी दो कमियां हो गई। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं तरंगाग्र कितने प्रकार के होते हैं, तरंगाग्र क्या चीज़ है, इसकी धारणा भी हाइगेन ने ही दी थी। हाइगेन ने बताया था कि प्रकाश स्रोत वे पदार्थ होते हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं, जैसे ट्यूबलाइट, सूर्य, मोमबत्ती, दीपक, इस टाइप के पदार्थ प्रकाश स्रोत कहलाते हैं। और ऐसे पदार्थ जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं, जैसे कुर्सी, पेन, इस तरह के पदार्थ हैं जो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करते, ऐसे पदार्थ अदीप्त पदार्थ कहलाते हैं। हाइगेन ने बोला कि प्रकाश जो होता है वो एक यांत्रिक तरंगे हैं, उनको संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कंपन वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, जैसे ठहरे हुए पानी में पत्थर डाला तो यहाँ पर एक वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, यहाँ पे हलचल उत्पन्न हुई, विक्षोभ भी कहते हैं इसको, विक्षोभ उत्पन्न हुआ। ये विक्षोभ आगे वाले कण को मिला, इसने फिर आगे वाले कण को ऊर्जा का स्थानांतरण किया, इसने और आगे वाले कण को ऊर्जा का स्थानांतरण किया, इस तरह से ऊर्जा आगे बढ़ती है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो स्रोत जो बीच में है वहाँ से समान दूरी पर स्थित कणों का एक समूह होगा जिसकी दूरी सभी जगह से समान होगी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये प्रकाश स्रोत है,
यहाँ पर जो विक्षोभ उत्पन्न हुआ है, अगर ये सभी दिशाओं में चारों तरफ फैलेगा, अगर समय टी की बात की जाए, प्रकाश की चाल सब जगह सी है और समान समय, मान लो 2 सेकंड लिया, 1 सेकंड लिया, या हमने मान लो 2 सेकंड लिया, 2 सेकंड बाद ये कण यहाँ पर पहुँच गया, तो जो विक्षोभ इधर की ओर गति कर रहा है वो विक्षोभ इस स्थान पर होगा, इधर की ओर गति कर रहा है वो विक्षोभ इस स्थान पर होगा, और सभी दिशाओं में ये हलचल पहुँच जाती है, यानी कि टाइम समान, सभी दिशाओं में समय समान। तो इस तरह से सभी दिशाओं में कण आगे बढ़ेंगे और ये जो है एक हमारे पास तरंगाग्र उत्पन्न होगा, एक ऐसी सतह प्राप्त होगी जिसके ऊपर ये सभी कण उपस्थित होंगे। ये जो हमें प्राप्त हुआ है वो चीज़ है तरंगाग्र, इसको वेव फ्रंट कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं, और ये जो दूरी है वो सभी जगह बराबर रहेगी, c इंटू टी, ये होता है दूरी का सूत्र, ये दूरी सभी जगह बराबर रहेगी। इसका मतलब ये सभी कण सेंटर से, यानी कि प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर है, सभी कण सेंटर से समान दूरी पर है। यहाँ हमें एक दूसरा और वेव फ्रंट प्राप्त हो रहा है, ये वाला जो इससे थोड़े कम समय पहले था, जैसे मान लो ये 2 सेकंड पे प्राप्त हो रहा है तो ये आधे सेकंड पे था, अब ये तरंग बढ़ के आगे आ गई तो ये तरंगाग्र फैलकर बड़ा हो गया, इसका आकार बड़ा हो गया। यहाँ पे हम 2D डायग्राम देख रहे हैं, द्विविमीय चित्र देख रहे हैं, अगर इस चित्र को त्रिविमीय के रूप में देखा जाए तो ये एक फुटबॉल की तरह, गोले की तरह दिखाई देगा। इस तरह का तरंगाग्र जो होगा वो गोलीय तरंगाग्र कहलाता है। अगर हम इससे थोड़ी देर बाद के समय की बात करें तो ये जो कणों के कंपन हैं यहाँ से थोड़े और आगे चले जाएंगे, और ये कण इधर वाले कंपन, सभी कण थोड़े थोड़े आगे चले जाएंगे, तो हमारे पास इस तरह से एक और तरंगाग्र प्राप्त हो सकता है। इसी चीज़ को हम एक दूसरे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं कि हमारे पास इस जगह पर एक कंपन उत्पन्न हुआ माध्यम में, ये मान लो प्रकाश स्रोत है, तरंगे सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी, इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी, और इस दिशा में भी आगे बढ़ेगी, इस दिशा में, सभी दिशाओं में ये आगे बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये तरंग सुरंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ी इस तरह से, ये इसका सुरंग वाला बिंदु है, अधिकतम विस्थापन का बिंदु है, उच्चतम बिंदु है, और ये इसका गर्त वाला बिंदु है और निम्नतम बिंदु है। अगर ये तरंग इस तरह से आगे बढ़ सकती है तो सेम टू सेम तरीके से ये तरंग किसी और दिशा में आगे बढ़ेगी तो इस तरह से आगे बढ़ेगी, तो ये तरंग इस तरह से आगे बढ़ेगी दूसरी दिशा में, और ये तरंग किसी अन्य दिशा में, इस दिशा में मान लो यहाँ आगे बढ़ती है तो यहाँ पे इस तरह से आगे बढ़ेगी। तो इस तरह से हमें जो बिंदु प्राप्त होते हैं ये उच्चतम बिंदु है, इस तरंग का ये उच्चतम बिंदु है, इस तरंग का ये उच्चतम बिंदु है। बात समझने की है, अगर ध्यान से सुनेंगे हमें बिल्कुल बड़े आसानी से समझ में आने वाली चीज़ें हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये प्रकाश स्रोत है, यहाँ से कंपन उत्पन्न हुए हैं और ये कंपन माध्यम में सभी दिशाओं में तरंगों के रूप में आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ से ये कंपन इस दिशा में तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है, इस दिशा में भी तरंग के रूप में आगे बढ़ रहा है, तो ये कंपन सभी दिशाओं में, इधर भी जाएंगे सभी दिशाओं में जाएंगे, तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पर
इस पॉइंट को ध्यान से देखा जाए, इस पॉइंट को ध्यान से देखा जाए, इस पॉइंट को ध्यान से देखा जाए, तो ये सभी पॉइंट सुरंग वाले बिंदु है, अधिकतम विस्थापन के बिंदु है। इन सभी बिंदुओं को मिलाया जाए तो हमें एक गोला प्राप्त होता है। इधर भी तरंगे जाएगी, उनके भी बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये इस तरह से हमें एक गोला प्राप्त होता है। तो ये जो गोला प्राप्त हुआ वो एक सुरंग होगा, वो एक वेव फ्रंट होगा, वो एक तरंगाग्र होगा। दूसरी बात कि तरंगाग्र के सभी बिंदुओं पर सभी कण जो होते हैं वो सब समान कला में कंपन करते हैं, यानी कि समान विस्थापन उनका होता है। ध्यान से देखें, यहाँ पे विस्थापन अधिकतम, यहाँ पे विस्थापन अधिकतम, यहाँ पे भी विस्थापन अधिकतम, इधर भी तरंगे जो जाएगी सबका विस्थापन अधिकतम। दूसरा तरंगाग्र हम बनाते हैं एक अलग तरीके से, ये विस्थापन शून्य है, यहाँ पे विस्थापन शून्य है, यहाँ पर भी विस्थापन शून्य है। अगर इन बिंदुओं को मिलाया जाए तो हमें एक और तरंगाग्र प्राप्त होगा। ये जो स्थान है यहाँ पे, इधर जो तरंगे जा रही है उनके बिंदु लिए जाएंगे तो ये हमें एक और तरंगाग्र प्राप्त हुआ। ध्यान से देखो, रेड कलर का जो तरंगाग्र हमें प्राप्त हो रहा है ये हमने अलग अलग प्रदर्शित करने के लिए कलर लिए हैं। रेड कलर का जो तरंगाग्र है उसका प्रत्येक बिंदु अपने शीर्ष पर है, अधिकतम विस्थापन पर है। और ब्लैक कलर, काले कलर का जो तरंगाग्र है उसका प्रत्येक बिंदु शून्य विस्थापन पर है। और इसी तरह से हम एक अन्य तरंगाग्र भी ले सकते हैं जिसके अंदर निम्नतम बिंदु ये वाले उपयोग में लिए हमने। तो इस तरह से निम्नतम बिंदुओं का एक तरंगाग्र हमें प्राप्त होगा। इस पर आने वाले जितने भी बिंदु है सबका विस्थापन विपरीत दिशा में होगा और अधिकतम होगा। तो इस तरह से हमें यहाँ पर तीन तरंगाग्र प्राप्त हुए हैं। तरंगाग्र के पृष्ठ पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींची जाए तो ये स्पर्श रेखा प्रकाश किरण को प्रदर्शित करती है। ये हमने स्पर्श तरंगाग्र के पृष्ठ पर, स्पर्श रेखा ने तरंगाग्र के पृष्ठ पर लंबवत अगर रेखा खींची जाए, ऐसी रेखा जो प्रकाश स्रोत से मिलती है, तो ये प्रकाश किरण कहलाती है, प्रकाश किरण कहलाती है। तो प्रकाश किरण की परिभाषा क्या आ गई? प्रकाश किरण तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा है। तरंगाग्र का वेग कितना होता है? तरंगाग्र का वेग उतना ही होता है जितना वेग प्रकाश का होता है। प्रकाश तरंग है, तरंगाग्र का वेग होता है। कंपन इनके सभी कणों पे समान होते हैं, यहाँ पे सभी अधिकतम है, कंपन सभी के समान होते हैं, आवृत्ति भी सभी की समान होती है। आगे, और एक किसी बिंदु या प्रकाश स्रोत के चारों तरफ कितने तरंगाग्र हो सकते हैं? तो ऐसे तरंगाग्रों की संख्या अनंत होती है। किसी एक इससे अधिक समय पर यही तरंगाग्र इस जगह प्राप्त होने वाला है। तो आगे वाली स्थिति फिर एक तरंगाग्र होगी, उसके आगे वाली स्थिति फिर एक तरंगाग्र होगी। इस तरह से हमें एक किसी एक प्रकाश स्रोत के चारों तरफ अनंत तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात बिंदु प्रकाश स्रोत से गोलीय तरंगाग्र प्राप्त होता है, जिसके बारे में हमने अभी अभी बात की थी। ये प्रकाश किरणें हैं, प्रकाश किरणें हैं, और ये हमेशा गोलीय तरंगाग्र से 90 डिग्री पर होते हैं। तो तरंगाग्र की परिभाषा क्या हुई? तरंगाग्र की परिभाषा हुई हमारे पास के प्रकाश स्रोत से समान दूरी पर स्थित कणों का ऐसा समूह, समान दूरी पर स्थित
कणों का ऐसा समूह जो समान कला में कंपन करता है तरंगाग्र कहलाता है। देखते हैं फिर से कि ये प्रकाश स्रोत है, इस कण की दूरी प्रकाश स्रोत से, इस कण की दूरी प्रकाश स्रोत से और इस कण की दूरी प्रकाश स्रोत से बराबर है, सभी कणों की दूरी प्रकाश स्रोत से बराबर है। इनकी कला समान है, कला का मतलब माध्य स्थिति से विस्थापन समान है, विस्थापन अगर समान हुए तो ये समान कला में कंपन कर रहे हैं। ये शब्द बोलना जरूरी है, समान कला में कंपन कर रहे हैं गोलीय तरंगाग्र कहलाते हैं। ठीक है, तरंगाग्र के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा प्रकाश किरण कहलाती है और स्रोत के चारों तरफ अनंत गोलीय तरंगाग्र होते हैं। फिर देखते हैं रेखीय प्रकाश स्रोत। रेखीय प्रकाश स्रोत यानी कि ट्यूबलाइट मान सकते हैं हम। ट्यूबलाइट एक लंबा प्रकाश स्रोत है जिससे बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होते हैं। तो देखते हैं ये हमारे पास ट्यूबलाइट है जो रेखीय प्रकाश स्रोत है। अब यहाँ से प्रकाश तरंगें निकलेगी, इधर जाएगी और इधर भी जाएगी। एक विक्षोभ हलचल उत्पन्न हुआ जो प्रकाश के वेग से आगे बढ़ रहा है। हम टी समय की बात करते हैं तो टी समय के पश्चात ये विक्षोभ यहाँ तक पहुँच गया तो इधर दूसरी तरफ भी यहाँ तक पहुँच जाएगा। तो हमारे पास ये एक सतह प्राप्त हो जाएगी जहाँ पर प्रकाश स्रोत से समान दूरी इधर भी और इधर भी। तो इस तरह से हमें एक तरंगाग्र प्राप्त होता है। इसको हम बेलनाकार तरंगाग्र कहते हैं। इसके ऊपर भी उपस्थित सभी कण समान कला में कंपन करेंगे, आवृत्ति इनकी समान होगी। ये है रेखीय प्रकाश स्रोत। अब यहाँ प्रकाश किरणें बनाएंगे तो प्रकाश स्रोत से 90 डिग्री पर इधर की ओर ये सब प्रकाश किरणें हैं, ये सब प्रकाश किरणें हैं, नीचे भी और सभी जगह। तो इस तरह से ये हमारे पास बेलनाकार तरंगाग्र प्राप्त होता है। बस तरंग इसमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि बेलनाकार रेखे प्रकाश स्रोत से प्राप्त होता है और गोलीय तरंगाग्र जो होता है वो बिंदु प्रकाश स्रोत से होता है। अगला काम हमारा है समतल तरंगाग्र। समतल तरंगाग्र बिंदु और रेखे दोनों प्रकाश स्रोत से प्राप्त हो सकता है। इसमें शर्त यह है कि अगर हम सूर्य को एक प्रकाश स्रोत माने तो सूर्य आकार में गोलाकार है, इसलिए हम इसको एक बिंदु प्रकाश स्रोत मान सकते हैं। इससे बहुत अधिक दूरी पर पृथ्वी है। सूर्य का प्रकाश सभी दिशाओं में जाएगा। ये दूरी हमारे पास 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। तो इससे हम अंदाज लगा सकते हैं कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जो पहुंचता है, उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो इतना सारा प्रकाश आता है उसमें से पृथ्वी पर केवल इतना सा प्रकाश पहुंच पाता है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि सूर्य के का पृथ्वी पर पहुंचने वाला प्रकाश की मात्रा नगण्य है, नहीं के बराबर है। दूरी बहुत अधिक होने के कारण पूरे गोलाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा अल्पांश पृथ्वी पर पहुंच पाता है। तो ऐसा अल्पांश, ऐसा भाग समतल तरंगाग्र कहलाता है। ये हमारे पास एक प्रकाश स्रोत S है, ये हमारे पास प्रकाश स्रोत S है। यहाँ से प्रकाश किरणें निकल रही है और बहुत अधिक दूरी पर ये प्रकाश किरणें पहुँच रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति हम इसके लिए भी उत्पन्न करते हैं। ये हमारे पास एक प्रकाश स्रोत है, यहाँ से बहुत अधिक दूरी पर
प्रकाश किरणें यहाँ पर ये हमारे पास ए बिंदु, ये बी बिंदु और यहाँ से ये जो बना है सी और डी। तो इस तरह से हमारे पास प्रकाश स्रोत एस से बहुत अधिक दूरी पर एक बहुत बड़े गोलाकार तरंगाग्र का एक छोटा सा भाग अल्पांश प्राप्त हुआ है ए बी सी डी। तो ए बी सी डी जो है वो है समतल तरंगाग्र। तो समतल तरंगाग्र परिभाषा के अनुसार सारी बातें बिल्कुल वैसी की वैसी है। समतल तरंगाग्र के ऊपर भी जितने कण उपस्थित होंगे, जितने बिंदु उपस्थित होंगे, सभी बिंदु समान कला में कंपन करेंगे, यानी कि सभी का विस्थापन बिल्कुल समान होगा, आवृत्ति समान होगी। शर्त प्रकाश स्रोत से बहुत अधिक दूरी पर। दूसरी बात, गोलीय या बेलनाकार तरंगाग्र का छोटा भाग अल्पांश, ये इस तरह से हम इसको इस टाइप से भी बना सकते हैं कि ये एक समतल तरंगाग्र है, ये फिर समतल तरंगाग्र है। प्रकाश किरणों की बात करें तो प्रकाश किरणें इस तरह से प्रकाश किरणें समांतर होगी। अगर ये तरंगाग्र समतल है तो प्रकाश किरणें भी समांतर होगी। तो ये समांतर प्रकाश किरणें, वैसे भी हम बहुत अधिक दूरी से आने वाले प्रकाश को समांतर मानते हैं। ये वेव फ्रंट है, ये दूरी और ये दूरी बराबर होगी। सभी समतल तरंगाग्रों के बीच की ये दूरियां सभी जगह पर बराबर होती हैं। अगर दूरी बराबर है, चाल का दूरी का सूत्र होता है c इंटू टी, प्रकाश की चाल सभी जगह समान है। अगर समय बराबर रहेगा तो दूरी भी बराबर रहेगी। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो हमें ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद हमारे पास है हाइगेन का द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेन ने इसमें बताया कि अगर कहीं पर कोई प्रकाश स्रोत है और उससे वहाँ पर थोड़ी बहुत हलचल होती है, थोड़े प्रकाश किरणें उत्पन्न होती है या प्रकाश स्रोत से प्रकाश निकल रहा है, तो उसके कारण जो तरंगाग्र उत्पन्न होता है वो माध्यम में प्रकाश के वेग से आगे बढ़ता है। तो हम ऐसा मान के चलते हैं ये प्राथमिक तरंगाग्र है। ये प्राथमिक तरंगाग्र है तो इसके ऊपर कुछ बिंदु भी होंगे, तो हाइगेन का इस सिद्धांत में मानना है कि ये बिंदु तरंगाग्र के ऊपर जितने भी बिंदु उपस्थित हैं, सभी बिंदु एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए तो एक चौक होती है, चौक का छोटा टुकड़ा, चौक को तोड़ दिया जाए तो उससे छोटा टुकड़ा प्राप्त होता है, तो वो भी चौक की तरह ही कार्य करेगा। मिठाई का पीस होता है, उसका एक छोटा सा भाग काट के अलग कर लिया जाए तो उसको भी टेस्ट करेंगे तो वही मिठाई लगेगा। इसी तरह से किसी प्रकाश स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी भी, चाहे गोलीय है, बेलनाकार है, समतल तरंगाग्र है, कैसा भी है, उसके ऊपर जो भी बिंदु है वो एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं और वो भी अपनी तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं। इन तरंगिकाओं को इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है।
ये जो तरंगिकाएं उत्सर्जित होती है ये इस तरह से उत्सर्जित होती है, सभी अपनी अपनी तरंगिकाओं का उत्सर्जन करेंगे। अब थोड़ा समय और बीता, ये तरंगिकाएं थोड़ी और आगे बढ़ी, ये सभी तरंगिकाएं माध्यम में आगे बढ़ती रहेगी। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये बिंदु P1, ये बिंदु P2, ये P3, ये P4, ये सभी एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य कर रहे हैं, जबकि इनका मुख्य प्रकाश स्रोत है हमारे पास S, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो इनका बाह्य बिंदु, इनके जो बाह्य सतह है, आगे वाली सतह है, उनको अगर मिला दिया जाए तो ये जो प्राप्त होता है हमारे पास वो एक नया तरंगाग्र होगा। अगर देखा जाए तो ए बी हो गया प्राथमिक तरंगाग्र, और नया प्राप्त होने वाला सी डी हो गया द्वितीयक तरंग। लेकिन ये जो पीछे वाला तरंगाग्र है, ये हाइगेन ने कहा कि इसे हम द्वितीयक तरंगाग्र नहीं मान सकते। ये खास बात है, इम्पोर्टेंट बात है। क्यों नहीं मान सकते? इसका कारण हाइगेन ने बताया कि ऊर्जा जो होती है वो हमेशा आगे की ओर ही बढ़ती है, ऊर्जा पीछे की ओर नहीं आएगी, इसलिए हम पीछे वाले इस भाग को द्वितीयक तरंगाग्र नहीं मान सकते। हमारे पास फिर से देखें, ए बी जो है वो प्राथमिक तरंगाग्र है, ए बी के ऊपर जितने भी बिंदु उपस्थित है वो एक नए प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं, और ये जो नए प्रकाश स्रोत है ये अपनी छोटी छोटी तरंगिकाओं का उत्सर्जन करते हैं, जिनको वेवलेट्स कहते हैं या द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। इनका स्पर्श रेखीय जो पृष्ठ होता है, जो चित्र में अपन ने सी डी से प्रदर्शित किया है, ये पृष्ठ, बार वाला पृष्ठ, ये द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा। अगर प्रकाश किरणों की बात की जाए तो प्रकाश किरणें वही है, तरंगाग्र पे खींची गई लंबवत रेखाएं प्रकाश किरणें कहलाती है, लंबवत खींची गई रेखाएं प्रकाश किरणें कहलाती है, जो तरंगाग्र से 90 डिग्री के कोण पर होती है। ये प्रकाश किरणें आगे बढ़ती है, तरंगाग्र भी आगे बढ़ता है। तो एक्चुअली द्वितीयक तरंगाग्र है क्या चीज़? द्वितीयक तरंगाग्र हमें प्राथमिक तरंगाग्र की नेक्स्ट पॉइंट, अगले बिंदु पर स्थिति को प्रदर्शित करता है, लोकेशन को शो करता है। तो इसी तरह से ये वाला है, केवल आगे का भाग जो होगा वो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, केवल ये आगे का जो भाग होगा वो द्वितीयक तरंगाग्र कहलाएगा, और ये सारी द्वितीयक तरंगिकाएं हैं। और आगे सेम सिचुएशन इनके लिए समतल तरंगाग्र के लिए भी हो जाती है। तो बच्चों, ये था हाइगेन का तरंग सिद्धांत, जिसमें हमने हाइगेन की ने जो तरंग प्रकृति के बारे में बातें की थी वो बताई, साथ ही साथ हमने तरंगाग्र के प्रकार पढ़े, गोलीय तरंगाग्र, बेलनाकार तरंगाग्र, समतल तरंगाग्र, और उसके बाद हाइगेन का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत पढ़ा। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।